जीवन एक सरलता और आसानी का जीवन है. No problems. कोई समस्याएं नहीं. Nothing, just the life of ease. बहुत ही आसानी और सरलता का जीवन है. कोई रुकावटें नहीं. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. What is the Lord doing with you? प्रभु आपके साथ क्या कर रहा है? What the Lord doing with us? प्रभु हमारे साथ क्या कर रहा है? What he is doing with you and me is so significant in this hour. जो कुछ वो आप और मेरे साथ कर रहा है उसका बहुत बड़ा एक विषय है. Doing with those lives who are really in his hands, it is so important and significant. उन जीवनों के साथ जो उसके हाथ में है वो क्या कर रहा है, ये एक बहुत ही मुख्य विषय है. Yes. Is he not doing something in your life and my life as he has done with those who have walked this way before? क्या कुछ ऐसा कर रहा है प्रभु आपके और मेरे जीवन के साथ जैसा उसने उनके साथ किया जो पहले इस मार्ग में चले थे? Those who were under his hands. वो जो उसके हाथ के तले रहे. Is he doing those things in your life and mine as he did in those lives? क्या आप और मेरे जीवन में भी वही कार्य कर रहा है जैसे उसने उन जीवनों के अंदर किया था? Leading us in this straight path which is narrow. हमें इस सीधे मार्ग की ओर उसने अगुवाई की जो सकड़ा है. Leading us in a way where human understanding fails. हमें उस मार्ग की ओर उसने अगुवाई की जहां पर के मनुष्य की समझ विफल हो जाती है. That's one thing, saints of God. If we are being led of the Spirit, human understanding fails to understand it and comprehend it. और यदि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, we are in the path. तो मनुष्य की समझ जो है वो विफल हो जाती है इन बातों को समझने के लिए. That's one of the signs we are in the way. वो एक चिन्ह है कि हम उसके मार्ग में चल रहे हैं. You know, I know some of the brethren. और मैं कुछ भाइयों को जानता हूं. They always want evidences. वो सदा ही कुछ सबूत चाहते हैं, प्रमाण चाहते हैं. They are so given to their natural mind, the spirit has no place for anything to do in their lives. उन्होंने अपने आप को प्राकृतिक मस्तिष्क में इतना अधिक दे दिया है कि आत्मा को कोई स्थान नहीं उनके जीवनों में कार्य करने का. एंड दे आर रियली रियली हिंडरिंग गॉड एंड टेकिंग देयर लाइव्स फादर एंड फादर अवे फ्रॉम द लॉर्ड एंड हिज पर्पस. और वो वास्तव में उनके लिए परमेश्वर के लिए एक रुकावटें बन गई हैं और उनको वो परमेश्वर से और भी अधिक दूर ले जा रही yes. हैं और उसके उद्देश्यों से दूर ले जा रही हैं. If we are in the way of the Lord, in that narrow and straight path, our natural understanding fails to understand and comprehend the things there. और यदि हम उस सकड़े और सीधे मार्ग में चल रहे हैं तो हमारी प्राकृतिक समझ जो है उसको समझने में विफल हो जाती है. और our natural ability cannot understand those things completely. और हमारी प्राकृतिक योग्यता जो है उन वस्तुओं को संपूर्ण रीति से समझ नहीं सकती. In our natural mind is confounded. और हमारा जो प्राकृतिक मस्तिष्क है it's exhausted. और वो खत्म हो जाता है उस समय, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है. It is not able to cope up with the way of the Spirit. क्योंकि वो आत्मिक रास्तों को के साथ वो चल नहीं सकता. Yes. The mind fails to understand the way of the Spirit. और मस्तिष्क जो है वो आत्मा के तरीकों और उसके मार्गों को समझने में विफल हो जाता yes. है. Many times we cannot see बहुत with our natural mind. अपने प्राकृतिक मस्तिष्क से हम देख नहीं सकते. We cannot understand by our natural mind. और अपने प्राकृतिक मस्तिष्क से समझ नहीं सकते.
And it is not possible, let me say that. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा संभव भी नहीं. And this is something we have to learn here. और ये कुछ ऐसी बात है जो हमने यहीं सीखनी है. You know, we need to learn this lesson in our lives. और हमने इस पाठ को अपने जीवन में सीखना है. Yes. And all our resources are of no avail in this path. और हमारे खुद के जो स्रोत हैं, उनका कोई मूल्य इस मार्ग में नहीं है. Yes. And this is what the Lord wanted them to learn in the wilderness. और यही परमेश्वर चाहता था कि वो जंगल बयाबान में इन बातों को सीखें. It is not for you to figure it out with your natural mind. और ऐसा नहीं कि आप उसको प्राकृतिक मस्तिष्क से उनको. How are we going to handle these giants in the land of promise? और ये वाचा के देश में जो दानव हैं, हम किस प्रकार से उनसे लड़ेंगे? You know, this is not just something that you are going to comprehend with your natural mind. और ये कुछ ऐसी वस्तुएं नहीं है जिनको कि आप अपने प्राकृतिक मस्तिष्क से समझ सकें. You cannot see and you cannot understand them by their natural faculties. और अपने प्राकृतिक योग्यताओं के द्वारा ना आप उसे देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं. And here we are to learn in this wilderness that all our resources would avail nothing in this way. और हमने इस जंगल बयाबान में यही सीखना है कि हमारे जितने स्रोत हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं. And here in this walk in the wilderness, everything depends upon the Lord. और इस जंगल बयाबान के अंदर इस चलन में प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रभु पर निर्भर है. It is His wisdom. ये उसकी बुद्धिमता है. It is the Lord Himself. और ये स्वयं प्रभु ही है. It is His strength. और ये उसकी सामर्थ है. Oh, it is His grace. और ये उसी का अनुग्रह. What is the Lord doing in your life? प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहा है? Very significant. ये बहुत ही मुख्य विषय है. Is the Lord emptying of your resources in these days? क्या प्रभु आपके स्रोतों को खाली कर रहा है इन दिनों में? What is happening with your life? आपके जीवन में क्या हो रहा है? Or you are just passing your days? या क्या आप अपने दिनों को गुजार रहे हैं? With a spirituality after the flesh. इस ऐसी आत्मिकता में जो कि शरीर के अनुसार है. Sunday church. इतवार को, रविवार को कलीसिया में आना. Weekly Bible studies. साप्ताहिक Bible studies में चले जाना. Giving our tithes. अपना दशमांश देना. Worshipping the Lord. प्रभु की आराधना करना. Coming for the camp meetings. और कैंप की सभाओं में सम्मिलित होना. Bringing the fellowship lunch. और fellowship lunch या भोजन लेके आना. What else? Tell me. What else I need to include here? Playing the baja, no? What else? Very humble in the camp meetings. Camp ki sabhaon mein bahut hi namr ho jana. Serving chai, serving food, doing many services to God. Aur Parmeshwar ke liye bahut si sevaen karni. Preaching the message. Sandesh dena. What else? Tell me. Anybody spared you? Saints of God. We all can be trapped into a spirituality after the flesh. हम सब इस फंदे में फंस सकते हैं जो कि आत्मिकता शरीर के अनुसार. It takes us nowhere. और ये हमें कहीं भी नहीं पहुंचाती. We don't make any progress. हम कोई भी उन्नति नहीं कर सकते. It doesn't bring us to any progression. ये हमें किसी उन्नति में नहीं लाती. We are just going in circles. हम दायरों में ही घूमते चले जा रहे हैं, दायरों में. Time to really take stock of what we are and where we are. अब समय आ चुका है कि हम अपनी जांच पड़ताल करें कि हम कहां हैं और what is God doing with your life? परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या कर रहा है? Let's be answerable to God tonight this question. और हम answer this question. परमेश्वर के सम्मुख उत्तरदायी हों और इसका उत्तर दें. As I said, the Lord is doing something in my own life. और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन के अंदर कुछ कर रहा है. It's not an easy walk. ये कोई सरल चलन नहीं. है.
If that is your experience, that God is emptying you of your resources in these days. और यदि आपका ये अनुभव है कि परमेश्वर इन दिनों में आपके स्रोतों से आपको खाली करता जा रहा है. Yes. At this time, that's what you are experiencing in God. परमेश्वर के अंदर इस समय आप यही अनुभव कर रहे हैं. God is doing something with you. तो परमेश्वर for His own glory. आपके भीतर कुछ कर रहा है अपने खुद की महिमा के लिए. And therefore, this walk is painful. और इसलिए ये चलन जो है बहुत ही for the natural man. पीड़ादायक है प्राकृतिक मनुष्य के लिए. It is very testing, no doubt. और बहुत ही परीक्षा का है ये. It is very trying, no doubt. और बड़े आजमाइश का है, इसमें संदेह नहीं. It is testing up to the very point where you place your feet. और जहां आप अपने चरण रखते हैं उस बिंदु तक की परीक्षा होती है. Yes. May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. You and I are coming to an utter end, end of that way that we have walked all these years. और आप और मैं उस मार्ग yes. के अंत में पहुंच रहे हैं जो इतने वर्षों से हम चलते आ रहे थे. Coming to a beginning. एक शुरुआत में आ रहे हैं. Which is a beginning even to the point of lifting up your very feet. और जो कि एक ऐसे बिंदु ऐसा बिंदु है yes. जहां पर हम पहुंच रहे हैं कि हम अपने पांव को उठाएं. You know, that is going to prove, God is going to prove that step. और परमेश्वर try that step. उस चरण को भी साबित कर देगा और उसकी परीक्षा करेगा. And you may say that's very hard, brother. और आप कहेंगे भाई ये तो बहुत कठिन yes. है. It sounds hard. ये बहुत कठिन लगता है. But it is this utterness God is desiring for His remnant in these days. परंतु परमेश्वर and may we hear this saints of God. बचे लोगों में यही है. It is this utterness that God is desiring. और यहां तक इस अंत तक परमेश्वर की इच्छा है. It is here we are going to see the difference between the Lord and ourselves. और यहीं पर हम उस अंतर को देखेंगे जो कि हमारे और प्रभु के बीच में है. Yes. Remember, saints of God. और इस बात को स्मरण करें परमेश्वर के प्रिय लोगों. You know why God wants to do such a work in us. परमेश्वर इस प्रकार के कार्य को just हमारे one of the things that I want to close tonight. और एक दो बातें बतलाकर मैं आज रात समाप्त करूंगा. Listen carefully. सावधानी से सुने. Why God is so utter in the life of such a remnant in these days. और ऐसे बचे लोगों के लिए परमेश्वर इस अंत तक क्यों पहुंचाए. Why is God so utter? और इस अंत तक वो क्यों पहुंचाए. That nothing else is allowed in this realm. कि इस वातावरण में किसी चीज की अनुमति नहीं. Yes. Remember, saints of God. और इस बात को स्मरण करें. God is going to set you and me over against every lie that is in the world today. परमेश्वर चाहता है कि आप और मेरे को प्रत्येक असत्य झूठ जो संसार में है उससे हमको अलग करे. He is going to set against you and me against every false doctrine in the earth today. और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी गलत शिक्षाएं चल रही हैं परमेश्वर हमको अलग करना चाहता है उनसे. You know, again set you and me as his people, as his true body, as his church, as his bride against every lie which has been there from the beginning of the world. और एक लोगों के रूप में आपको और मेरे को वो उस असत्य से अलग करना चाहता है जो कि शुरू से इस संसार में था. The lie which is being birthed in this earth, which is about to touch even heavens. और वो असत्य जिसका जन्म like the tower of Babel in Genesis 11, जो कि आज उस स्वर्ग को भी छूना चाहता है उस बाबुल के उस मीनार की तरह. The terrible lie of humanism, और मानववादी का एक भयंकर असत्य. Humanism
has taken over even the very preaching of the gospel. मानववाद ने सुसमाचार के प्रचार को भी ले लिया है. Is all centered around man's welfare. और ये सब कुछ है मनुष्य की भलाई के केंद्रित हो गया है. That great lie the enemy brought him. और वो बड़ा झूठ जो शत्रु ने लाया. Humanism has taken over everything today. उस मानववाद ने प्रत्येक वस्तु को अपने कब्जे में कर लिया है. It is man who is ascended today. और ये मनुष्य है जो कि ऊपर उठा है आज. It is all in man and for man and unto man. और वो सब मनुष्य के लिए है, मनुष्य के even in the spiritual world. यहां तक के आत्मिक संसार में humanism has taken over saints of God. और इस मानववाद ने प्रत्येक it is no more God and unto God and for God and of his own glory. और अब वो परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर द्वारा नहीं, ना परमेश्वर की महिमा के लिए अब है. Yes. That's why God is utter. और इसीलिए परमेश्वर इस why sometimes you think why is so God mean, so mean? और so narrow, हम so utter. कहते हैं कि परमेश्वर इस अंत तक इतना क्यों पहुंच गया है? He doesn't give me even a space to move. और यहां तक कि वो मुझे थोड़ा हिलने डुलने का भी स्थान नहीं दे रहा. There are some brothers who tell me like this. और कुछ भाई हैं जो ऐसा मुझसे I don't want to go further, brother. भाई मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता. I'm scared. मैं डर गया. इतना काफी है. बस बहुत हो गया. Here at least I have my enough room for me to move around. और यहाँ तक कम से कम इतना स्थान तो है कि मैं घूम फिर सकता हूँ. You know, you want to have more room, you can have more room. और यदि आप अधिक स्थान चाहते हैं तो आपको मिल सकता है. Yes, you can live there any amount of time. और आप किसी भी समय के अवधि में वहाँ रह सकते हैं. We make no progression. परंतु इस बात को स्मरण करें कि जहाँ तक परमेश्वर का संबंध है हम कोई उन्नति वहाँ नहीं करेंगे. You know, you lose every area in your life. और आप प्रति एक क्षेत्र जो आपका जीवन का है उससे वंचित हो जाएंगे. दिस इज रियल. और ये वास्तविक है. द डिस्टेंस वुड बी नैरोड डाउन बिटवीन यू एंड द लॉर्ड. और वो yes. दूरी जो आपके और प्रभु के बीच में है उसको कम कर दिया जाएगा. गॉड इज वर्किंग आउट समथिंग इन द अर्थ. परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ कार्य कर रहा है. That would jar the enemy. और जो के शत्रु को पराजित कर देगा. Evil one. और जो के उस दुष्ट को काट देगा. God is working out something in the earth. परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर कुछ कार्य कर रहा है. He is building up something. और वो कुछ चीजों का निर्माण कर रहा है. In the likeness of his son. उसके पुत्र के स्वरूप में. He is building a body. वो एक देह को बना रहा है. He is raising up a remnant. एक बचे हुए लोगों को खड़ा कर रहा है. It is being wrought. It is being worked out. और उसे लाया जा रहा है और उस पर कार्य हो रहा है. It is in the unseen. और वो अदृश्य है. But it's real. परंतु वास्तविक. That which is seen, they are temporal. और जो कुछ देखा जा सकता है वो अस्थाई है. But that which is unseen, they are permanent. परंतु वो जो अदृश्य है वो स्थाई है. और वो सनातन काल. God is working out. परमेश्वर ऐसे कार्य कर रहा है. It is being wrought upon this earth. और वो इस पृथ्वी पर ये कार्य हो रहा है आज. It is unseen to many eyes. और बहुत सी आंखों के लिए वो अदृश्य है. And it is so covered that men fail to see that very thing. कि मनुष्य उस वस्तु को नहीं देख सकता, वो असफल है. It is so covered. इतना ढका हुआ है. It is so covered with what? और किस चीज से वो ढका है? It is so covered today with suffering. और वो कष्ट और दुखों से ढका हुआ है. It is so covered with weaknesses. और वो बहुत सी दुर्बलताओं से ढका हुआ है. That men fail to recognize. जिसको के मनुष्य विफल हो गया कि उसे मान्यता दें. Amen. All you have gone to sleep? Are you hearing? It is so covered. वो इतना ढका हुआ है. With weakness.
कमजोरियों से. It is so covered with suffering. और दुखों और कष्टों से ढका हुआ है. Men fail to recognize. कि मनुष्य उसको मान्यता देने में विफल है. And it's as they looked at Jesus and said, और जैसे any good thing come from Nazareth? उन्होंने यीशु को देखते हुए कहा कि क्या कोई भला भली वस्तु नासरत से. He was so covered with such a humanity. और वो ऐसी मानवता से ऐसा ढका हुआ था कि मनुष्य उसको पहचान नहीं सके. Amen. Amen. So covered with such a humanity, the weakness of the flesh, that humility there, that men fail to recognize that he is the Messiah. और ऐसी मानवता से वो ढका हुआ था. Yes. शरीर की दुर्बलताओं से ढका हुआ था, कष्टों से ढका हुआ था कि मनुष्य उसको पहचान so नहीं सके. Such an inability. और ऐसी अयोग्यताओं से ढका हुआ था. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. That is why many cannot recognize the reality of his body today. इसी कारण से बहुत से लोग उसकी देह की वास्तविकता को भी पहचान नहीं सकते आज. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. I would close here. यहीं पर मैं समाप्त करूंगा. Many of you are tired. आप में से बहुत थके हुए हैं. Your tiredness is causing me to be tired. और आपकी थकावट मुझे भी थका रही है. I won't be long. मैं अधिक लंबा नहीं जाऊंगा. I would close here. यहीं पर समाप्त करूंगा. But may God help all of us. परंतु परमेश्वर हम सबों की सहायता करे. Let's not pass these days. कि हम इन दिनों को यूं ही गुजार ना दें. But allow God to do a work in us. परंतु परमेश्वर को अनुमति दें कि वह हमारे भीतर एक कार्य करें. यहीं पर मैं समाप्त करूंगा. But it's not that we are going to rush out of this place. परंतु ऐसा नहीं कि हम इस स्थान से एकदम से भाग खड़े हों. Amen. Let's have some time. हम कुछ समय बिताएं. Do you feel we need to have some time? क्या आप महसूस करते हैं कि हमें कुछ समय बिताना चाहिए? हम परमेश्वर के लिए. Not a formality. एक औपचारिकता के लिए नहीं. You know, and the brother says, anybody wants to pray? और भाई ने किसी ने कहा कि कोई प्रार्थना करना चाहे you know, तो somebody prays. और किसी ने प्रार्थना कर दी. you know, let's just finish that and go for a food. और इन सब चीजों को समाप्त करके भोजन के लिए चले जाएं. But let's really spend some time. परंतु वास्तव में Amen? कुछ समय बिताएं. One on one with God. और परमेश्वर के साथ एक हो जाएं. Let's settle things with God. और परमेश्वर के साथ वस्तुओं let को us reckon things tonight in our lives. और अपने जीवन की वस्तुओं को हम पहचान. I can tell you one thing. और एक चीज मैं कह सकता हूँ. These days will determine our future. और ये दिन जो है हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे. These days are going to determine our days ahead. और मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिन जो है हमारे आने वाले दिनों को नियुक्त करेंगे. May God help us. परमेश्वर shall we all stand up before the Lord. प्रभु के सम्मुख हम सब खड़े हो जाएं. We will continue as the Lord helps us tomorrow. और जैसे प्रभु की इच्छा होगी इसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे. Shall we all stand up, please? Thank you, Jesus. Let's be open to the Lord. प्रभु के लिए हम खुल जाएं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's be conscious of God than man. मनुष्य के बजाय हम परमेश्वर का चिंतन करें. Thank you, Jesus. As I said, we don't want to be long. जैसे मैंने कहा कि अधिक समय नहीं देना चाहिए. Let it be a time with God. परंतु कुछ समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's open our hearts. अपने हृदयों को खोल दें हम. Let's be expressive to God. और परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप करें. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. A few moments in
in silence and opening our hearts to God. Let there be a reckoning, an opening of ourselves in the light of His Word. कुछम खामोशी के साथ हम अपने आप को जांचें और पहचानें परमेश्वर की उपस्थिति में. I don't know what the Spirit has initiated in you. मैं नहीं जानता कि आत्मा ने आपके भीतर किस चीज की शुरुआत की है. But let's give it. परंतु हम उसमें अपने आप को दे दें. Sound forth the trumpet and forewarn the nations. Take up the armor and sharpen the sword. Humble yourselves with great supplication. Prepare ye the way for the day of the Lord. Now the cornerstone the builders rejected hath become our mighty right hand to bring a just reward to the wicked and to make a holy nation stand. Open the gates and tear down the prisons, set free the captives of unrighteous men. Prepare the table, send forth invitation, for the bridegroom has come and the feast will begin. Now the cornerstone the builders rejected hath become our mighty right hand to bring a just reward to the wicked and to make a holy nation stand. Now the cornerstone the builders rejected hath become our mighty right hand to bring a just reward to the wicked and to make a holy name.